हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे। आज मैं आप सबके बीच में एक नए विषय के साथ आया हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंत के समय के क्या लक्षण होंगे, क्या चिन्ह होंगे? यही बातों को दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनके चेला जो थे, उनके शिष्य जो थे, वो यीशु मसीह से पूछते थे कि प्रभु ये बताइए कि अंत के दिनों का लक्षण क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। तो दोस्तों, उन्होंने सारी बातों को है जे बताया जो आज हम आप सब भी देखते हैं और जानते भी हैं कि यीशु मसीह ने इन सारी बातों को बताया है। तो दोस्तों, अपने चेला को उन्होंने यही बताया कि जैसे ग्रीष्म काल आते हैं, गर्मी के दिन आते हैं, तो पेड़ के पत्ते हैं जो झड़ने लगते हैं, तो हम आप सब समझ जाते हैं कि गर्मी का मौसम है जो आ रहा है, ग्रीष्म काल आ रहा है। वैसे ही उन्होंने दोस्तों अंत के दिनों के कुछ लक्षण को, कुछ चिन्हों को उन्होंने बताया है। तो दोस्तों, आज हम सब बाइबल के वचन से देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ों को, अंत के दिनों को, लक्षण को विषय में बताया है जो आज है, जो पूरे दुनिया में है, जो घटित हो रही है। दोस्तों, ये बातें आज हम आप सब है जे अपने आस पड़ोस और अपने देश और राज्य जिस जगह पर रहते हैं, उन सारी जगहों से आप अपने जीवन को जाँच सकते हैं कि जिस बातों को यीशु मसीह 2000 साल पहले उन्होंने घोषणा किया, वो बातें हैं जो आज घटित हो रहे हैं, वो बातें आज हो रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अंत के चिन्हों के विषय में उन्होंने बताया कि पूरे दुनिया में है जे लड़ाई है जे बढ़ जाएगा, युद्ध होना शुरू हो जाएंगे, जगह जगह है जे अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और ये सब जो बातें होने रहेंगे तो ये सब पीड़ाओं का है जे आरंभ होंगे, शुरू होंगे। और इससे आप समझ लीजिए कि अंत के दिनों में हम सब जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सब आज देखेंगे कि क्या यीशु मसीह जिस बातों को बोले हैं, उस बातों को आज पूरे दुनिया में है जो घटित हो रही है या न हो रही है। जब हम वचन को देखेंगे तो वचन से अपने आप को जांच पाएंगे कि क्या जिस बातों को यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले उन्होंने घोषणा किया था, वो बातें आज पूरे दुनिया में घटित हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैंने 5 संकेतों को आप सबके बीच में लाया हूं जो अंत का समय के लक्षण के विषय में बताएगा, और वो यीशु मसीह ने 5 संकेतों को विषय में बताया है। ऐसे तो मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत से संकेतें हैं जो अंत के समय के विषय में बताती है, उसी में से मैं 5 संकेतों को आप सबके बीच में लाया हूं, जिससे आप सब जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जिस बातों को उन्होंने घोषणा किया, वो बातें आज पूरी दुनिया में घटित हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो विषय है उस विषय से आप जान सके कि अंत के दिनों का कौन से 5 संकेत हैं जो हम सबको है जो बताती है कि हम सब अंत के समय में जी रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन संकेत है युद्ध, अकाल और भूकंप का होना। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि आज है जे देश देश में है जे लड़ाइयाँ शुरू हो गया है, देश देश में युद्ध शुरू हो गए हैं। ये भी बातों को हम सब जानते हैं कि अकाल भी बहुत भदरले से इन समय पड़ रहे हैं। जिस जगह पे मरुस्थले होते थे उस जगह पे बाढ़ आ रही है, और जिस जगह पे बाढ़ें आती थी उस जगह पे अजय अकाल हो रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रहे हैं। तो ये जो बातें हैं आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने घोषणा किया कि युद्ध है जो शुरू हो जाएगा, अकाल पड़ने लगेंगे जगह जगह पर, और भूकंप भी है जो होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम वचन को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 6-8 तक देखते हैं तो वचन बताती है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही इस बातों को उन्होंने घोषणा कर दिए थे कि लड़ाइयाँ है जो बढ़ जाएगा, और इस सारी बातों को जब तुम देखोगे तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि तुम घबरा न जाना, क्योंकि ये बातें हैं जो होना जरूरी है, ये बातें हैं जो तय है होना। और ये भी बातों को कह रहे हैं कि उस समय है जो अंत नहीं होगा,
जाति पर जाति और राज्य पर राज है जे चढ़ाई करेगा और जगह जगह है जे अकाल भी होंगे और भूकंप भी होंगे और ये सब जो बातें होंगे ये पीराओं का शुरुआत होगा मेरे प्रियो, आरंभ होगा, शुरू होगा। तो दोस्तों आज हम सब देख रहे हैं कि ये बातें हैं जे शुरू हो चुकी हैं, ये बातें हैं जे सब जगह पे बेधड़ल्ले से हो रही है, युद्ध लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई है और जगह जगह पर अकाल भी पड़ रहे हैं और भूकंप भी हो रहे हैं। तो ये बातें हैं जे शुरू हो रही, इससे हम आप पता कर सकते हैं, हम आप जान सकते हैं कि पीराओं का आरंभ है जे शुरू हो गया है जो यीशु मसीह ने घोषणा किए थे। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, और दूसरा संकेत है इजराइल का पुनर्स्थापना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने साफ उस समय बता दिए थे कि इजराइल को फिर है जे बसाया जाएगा, और वो वचन जब हम देखते हैं मत्ती रचि सुसमाचार 24 अध्याय के 32 और 33 आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बताते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसके डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। दोस्तों यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि जिस संकेतों को विषय में उन्होंने घोषणा किया उस संकेतों को अगर पूरा होते हुए देखो तो समझ लो कि अंत है जे निकट है, वरन द्वार पर ही खड़ा है, यीशु मसीह द्वार पर ही खड़ा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अंजीर का जो पेड़ के विषय में जो बात बताए गए हैं वो है जे इजराइल का है जे पुनर्स्थापना के विषय में बताया गया है, और वो इजराइल का पुनर्स्थापना 14 मई 1948 को किया गया मेरे प्रियो, वो हो गया है। और बाइबल वचन हमें बताती है कि जब इजराइल की पुनर्स्थापना को हम आप देखते हैं तो इसका अर्थ है कि मनुष्य का पुत्र दरवाजे पर है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने साफ कहा कि ये बातों को जब होते हुए देख लो तो वरन समझ लो कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ। सो दोस्तों आज से 75 साल पहले ही इजराइल की स्थापना हो चुका है, तो ये दूसरे संकेत है जो यीशु मसीह ने बताया, और ये दूसरा संकेत है जो पूरा हो चुका है। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, और तीसरा संकेत है मेरे प्रियो, संसार के हर कोने में सुसमाचार का प्रचार किया जाना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि संसार का अंत जब तक पूरे जगत में सुसमाचार को प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक है जे संसार का अंत नहीं आएगा। जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि आज के दौर में संसार में हर कोने कोने है जे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार जा रहे हैं, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, और नए नए टेक्नोलॉजियों के द्वारा है जो लोगों तक सुसमाचार पहुँच रहे हैं। जैसा कि आज इंटरनेट का माध्यम के द्वारा बेधड़ल्ले से सुसमाचार हर देश देश और राज राज हर लोगों तक मेरे प्रियो जा रहे हैं, और वो अनुराध मोबाइल फोन के द्वारा भी है जो दोस्तों जा रहे हैं। जैसा कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने इस बातों को घोषणा कर दिया है कि जब तक पूरे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक अंत नहीं आएगा। जैसा कि हम वचन की ओर चलते हैं, वचन मत्ती रचि सुसमाचार 24:14 आयत बताती है कि और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। दोस्तों हम लोग है जे अंत की ओर जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि हम लोग है जे अंत की ओर जा रहे हैं, निकट हैं। जैसा कि आज हम आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया में है जे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बेधड़ल्ले से है जे जा रहे हैं, और नए नए तकनीक है जे आज सुसमाचार को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि प्रभु के दास के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और बहुत से ऐसे है जे जो नए नए तकनीक है मेरे प्रियो उसके माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में है जे जा रहे हैं, और सारे लोग है जे कहीं ना कहीं है जे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है जे सुन रहे हैं। तो ये बातें आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने घोषणा किया, और वो बातें आज घटित हो रही है मेरे प्रियो। चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, और चौथा पॉइंट है, चौथा संकेत है मेरे प्रियो, वो अधर्म को बढ़ जाना और विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो जाना। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि आज हम आप सब जानते हैं कि
आज पूरी दुनिया में इतना अधर्म बढ़ गया है, इतना बढ़ता जा रहा है पाप कि लोग है जे बेधरले से गुनाह और पाप करते जा रहे हैं। कोई किसी का डर और कोई किसी का भय नहीं है मेरे प्रियो, और इतना तक कि ईश्वर का भी डर नहीं है। लोग गुनाह और पाप बेधरले से कर लेते हैं। पाप और गुनाह इतना बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन कि आज हम आप देख करके आश्चर्यचकित भी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये होना तय है, क्योंकि इस बातों को आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने घोषणा कर दिए हैं कि अंत के दिनों में पाप और अधर्म है जे बढ़ जाएगा। विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो जाना, दोस्तों आज हम आप सब देख रहे हैं कि विश्वासी जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, वो भी पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। वो भी है जो उससे पाप और गुनाह में पीछे की ओर मुड़ करके अलौलीन हो जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति उनका प्रेम है जो ठंडा हो जा रहा है, और वो यही समझ रहे हैं कि ये जब दुनिया में है जे यीशु मसीह की बाट जोहने के बजाय वो संसार में है जे अपने कामों में है जे लीन हो जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही घोषणा कर दिए थे कि अंत के दिनों में है जे अधर्म और पाप बढ़ जाएगा और विश्वासियों का प्रेम है जे ठंडा हो जाएगा मेरे प्रियो। जैसा कि हम वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 12 आयत में कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और इस बातों को आज हम सब देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में है जे अधर्म बढ़ने से बहुत से विश्वासी लोग है जे उनका प्रेम है जे ठंडा हो गया है, और वो है जे प्रभु के कलेशिया में तक नहीं जा पा रहे हैं, प्रभु की संगति में नहीं बैठ पा रहे हैं, प्रभु के वचन में नहीं आगे चल पा रहे हैं। मेरे प्रियो ये बातें है जे आज पूरे दुनिया में हो रहे हैं और हम सब इसे देख भी रहे हैं। चलते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, और पांचवा संकेत है मेरे प्रियो झूठे मसीहियों और झूठे भविष्यवक्ताओं को दिखाई देना। हाँ मेरे प्रियो, इस बातों को भी आज हम आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में है जे झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, और ये बातों को यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही इस बातों को उन्होंने घोषणा किया था कि बहुत से लोग हैं जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं वही हूँ, और बहुत से लोगों को है जो वो भरमा देंगे। जैसा कि मेरे प्रियो मरकुस 13:6 आयत बताता है कि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आज वो बातें घटित हो रही है कि बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासी भाई बहनों को, बहुत से मसीही भाई बहनों को वो भरमा करके अपनी ओर ले जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि वो है जे अद्भुत अद्भुत काम भी करेंगे, अद्भुत अद्भुत काम भी दिखाएंगे, वो चमत्कार और चिन्ह भी दिखाएंगे, और ये चमत्कार और चिन्ह को देख करके लोग उनके पीछे बेधरले से विश्वासी भाई बहन भी चले जा रहे हैं, विश्वासी भाई बहन भी वो भरमाए जा रहे हैं। जैसा कि मत्ती 24:24 आयत में कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। और इस बातों को आज हम आप सब देख रहे हैं मेरे प्रियो पूरे इस दुनिया में, पूरे संसार में, कि बहुत से मसीही विश्वासी भाई बहन भी उस चमत्कार के और उस चिन्ह के पीछे दौड़े भागे जा रहे हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दे रहे हैं मेरे प्रियो। तो ये बातें आज घटित हो रही है और हम सब इसे देख रहे हैं। तो आज मैं आप सबों को वो पांच संकेतों को बताया जो संकेत है जे यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले उन्होंने बता दिया कि अंत के दिनों में लोग इस तरह से हो जाएंगे। अंत के दिन में संसार में ये ऐसे ऐसे बातें हैं जो पूरी दुनिया में घटित होंगे। तो दोस्तों हम आपको इस सारी बातों से सावधान रहना होगा, हम आपको इन सारी बातों से अलर्ट रहना होगा ताकि हम सब है जे इस सारी बातों से बच सके। जैसा कि यीशु मसीह ने साफ कर दिया कि तुम उसके पीछे ना हो लेना, तुम उसके पीछे ना जाना, क्योंकि मैं जब आऊँगा तब मैं बादलों पर सवार होकर के आऊँगा और सारी दुनिया है जे सारी कुल और जाति के लोग मुझे देखेंगे। तो दोस्तों हम आपको है जे उनके ऊपर विश्वास करना होगा, जैसा कि उन्होंने साफ बता दिया है। मत्ती 24:35 आयत में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं यीशु मसीह ने साफ बातों को कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जिस बातों को आज से 2000 साल पहले उन्होंने घोषणा किया वो बातें आज घटित हो रही है। आज हम आप सब गवाह हैं, हम आप सब इस बातों को देख रहे हैं कि जो बातें यीशु मसीह 2000 साल पहले कहा वो बात आज सारी दुनिया में हो रहे हैं। और यीशु मसीह ने साफ कहा कि आकाश और पृथ्वी अजय टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी, और उनका कहा हुआ सारी बातें इस समय इस सारी दुनिया में पूरा हो रहे हैं मेरे प्रियो। तो हम आपको सावधान रहना है, हम आपको सतर्क रहना है कि उन भरमाने वाली आत्माओं, उन भरमाने वाले झूठे मसीहियों के पीछे न जाएं, जिससे हम बच सके और परमेश्वर के राज्य के लिए हम है जे आगे को बढ़ सके।
तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय को निकाला। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।